एक दुकान है रोड साइड ही, तो चलिए मिल गया है, देखती हूँ मुझे क्या पसंद आता है। इस वक्त मैं आ गई दुकान में, कपड़ों की दुकान में, और पीछे भी एक दुकान था वहाँ भी रुके थे, और हमारी हो गई थोड़ी सी बहस, और बहस हुई है मैं घर जाके बताऊँगी अभी, और यहाँ पे जो करने आई हूँ पहले यहाँ पे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सुनाने के बाद बैठा हुआ है, अभी रास्ते में खूब सुनाए, खूब दोस्त दिए हैं, तब जा कर के बैठा हुआ बच्चों को लेकर। चौथा दुकान है मेरा, पांचवा दुकान है, और यहाँ पे सामान बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से ये नया दुकान है और अमीरों के लिए है, हमको लगता है पसंद तो मुझे यहाँ पे सब चीज़ आएगा, क्योंकि बाहर जितना भी कैटलॉग भी लगा है ना वो मुझे सब पसंद आ रहा है, मगर अगुन कुछ लेके आ रही है फाइनली, मुझे तो लग रहा था यहाँ पे नहीं मिलेगा, मगर देखते हैं क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वही है ऊंची दुकान पिकी पकवान। राधे राधे दोस्तों, पिति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, द्वारका भी साफ नहीं वरदाने, कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देरी है तो इधर हो रहा है मोबाइल का लड़ाई, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं नहा ली हूँ, आज है रविवार, राखी आ गया है, तो राखी तो हमारा हर बार बस सिंपल सा राखी रहता था, क्योंकि राखी मैं मंगवाती थी, मगर इस बार सोची हूँ कि मैं खुद से जाऊँ, क्योंकि माहौल भी वैसा ही है, रविवार है तो मौका भी मिल रहा है, और पिछले बार जो रविवार को मैंने पैसा निकाला था तो उसमें से थोड़े से पैसे बचा के रखे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस बच्ची का राखी अच्छे से कर दूँ, और अभी पहले ये नहा ली है तो अभी पहले इसको रेडी करते हैं। देख लीजिए भूतनी कैसे देख रही है, इसमें भूत आ गया है, भूत लंबे बालों वाली भूत, देख लीजिए, बस बस जेट हो जाएगा ना, तभी जब कंघी करेंगे तो रोने लगेगी, तो सबसे अरे दिखाओ ना अंकल आंटी को अपना मुँह, तो चलिए सबसे पहले इसको तैयार करते हैं, उन पागल ही है, बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और वो अभी तक हाफ पैंट खोली नहीं है, हाँ गजब का नौटंकी, मतलब मेरे यहाँ इसलिए लड़ाई होता है, वो हाफ देखिए वो वाला पैंट पहनी है, और क्या बोल रहा है ऊपर का उन्होंने नहीं दिखेगा, क्यों पहनना है उसको। बाबू काफी देर से सोया है, मतलब जब से गाड़ी स्टार्ट किए तब से, और हम लोग कोकर पहुंच गए हैं, कोकर से ही हम लोग मार्केटिंग करेंगे, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं मेरे हिसाब से कोई दुकान जहाँ पे मैं रोड साइड से कुछ ले सकूं, और दुकान तो बहुत सारी लगा है, रक्षाबंधन है तो जाहिर सी बात है कि सब लोग अपना राखी सेल कर रहा है, तो एक दुकान है रोड साइड ही, तो चलिए मिल गया है, देखती हूँ मुझे क्या पसंद आता है। कोई भी एक दे दीजिए ना, हाँ वही दे दीजिए, कम कम करते करते भी मेरा बिल बन गया 270 रुपए का इसी दुकान में, क्योंकि कॉस्मेटिक चीजों का बहुत ज्यादा प्राइस है, तो इतनी इतना सारा बिल बन गया है, और घर चल के दिखाएंगे कि हम क्या क्या लिए, ज्यादा कुछ भी नहीं लिए, और कुछ लेना था लेकिन पैसों का बहुत ज्यादा इसके लिए। इस वक्त मैं आ गई दुकान में, कपड़ों की दुकान में, और पीछे भी एक दुकान था वहाँ भी रुके थे, और हमारी हो गई थोड़ी सी बहस, और बहस हुई है मैं घर जाके बताऊँगी अभी, और यहाँ पे जो करने आई हूँ पहले यहाँ पे कर लेती हूँ, क्योंकि दुकान में और भी लोग हैं, तो बताऊँगी आप सभी को, क्योंकि पिछले बार भी संडे के वीडियो में ये ऐसा कमेंट आया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, और ये सब हर बार होता है, और कलर नहीं था बेटा तो अब आप लोग समझ, और कलर नहीं है, कलर तो बढ़िया लग रहा है, और कुछ इसी टाइप का और कोई कपड़ा नहीं है, बस ये थ्री कलर है, दोनों कलर में हमको पसंद नहीं आ रहा, ये वाला आ रहा है तो उसका क्वालिटी बढ़िया नहीं है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर में है, इसमें सूट नहीं करेगा, एक ये आ रहा है कलर पसंद, लेकिन ये भी हमको उतना समझ में नहीं आ रहा है, जा दे दो पापा को। दुकान से आ गई बाहर, क्योंकि कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, और मेरे पास मतलब
तो क्वालिटी का अच्छा भी नहीं था, जो चीज़ें भी थी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे वापस पैसा निकालने के लिए, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। और बच्चों का हो गया मन मेरा कपड़ा खरीदने का, क्योंकि कपड़ा भी नहीं है और फेस्टिव इधर त्यौहार जो है ना वो लगातार आ रहा है। और अब बड़ी बच्ची जो है ना बड़ी हो रही है, वो अब एक ही कपड़ा में सब जगह ट्रैवल करना बिल्कुल नहीं चाहती है। अभी ही आ रहे थे ना तो ये फ्रॉक के वजह से भी रो रही थी कि हर जगह हम यही फ्रॉक पहन के जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा सा ख़राब लगता है। और इसको तो कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हम दूसरे के बच्चे को पाल रहे हैं, बस दो टाइम खाना दे दे रहे हैं, बस वो काफ़ी है इन बच्चों के। क्या बोलूँ। तो शगुन अपना बाबू लिया है ये वाला, अब ये फुला रही है, अब वो भी वहाँ पे बैठा है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसीलिए वो आ रहा है। ओए उसको कुछ खबर नहीं है, बच्चा दौड़ रहा है। जा जा वहीं पे फुलाना शगुन, जा बेटा जा, रोड में दौड़ जाएगा, जा। मुझे बाहर आके भी बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, मैं उसके भरोसे नहीं रह सकती हूँ कभी नहीं। बच्चा दौड़ जाएगा, वो जिस चीज़ में लगा है उसी चीज़ में लगेगा। मेरे काफ़ी सुनाने के बाद बैठा हुआ है, अभी रास्ते में खूब सुनाए, खूब दौड़ दिए हैं, तब जा कर के बैठा हुआ बच्चों को लेकर के। हर चीज़ में ऐसे 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 कैंची बन के कचकच करना ज़रूरी रहता है, आदत हो गया आदत। दुकान में इतना भीड़ है, मैं आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रही हूँ, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। आज मुझे आने का भी मन नहीं था बाहर, पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट नहीं रहता बाहर आने के लिए, कुछ है ही नहीं क्या अच्छा लगेगा, सब चीज़ के लिए तो बाहर लड़ो घर में लड़ो, मन नहीं करता है, सब जगह एक ही माहौल रहता है। बाहर आता आदमी गुपचुप क्या क्या रहता है, मेरे को तो पता नहीं। और भैया कितना देर करेंगे, अभी भी फाइनली बहुत इंतज़ार करने के बाद मेरा टर्न आया है, क्योंकि भैया को वहाँ से यहाँ आना पड़ता है मेरे पास, इसीलिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर शॉप में जाते तो थोड़ा जल्दी हो जाता। हो गया, अब एक बढ़िया सा दुकान जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का कपड़ा मिलता ना वहाँ पे चलना, ना कि ऐसा वही जगह पे जाके रोक देना। कहाँ चिंकी मिंकी किसु, तो किसु को मिल गई मुर्गी का दुकान, तो इस किसु कह रहा चिंकी मिंकी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुर्गियाँ थी उसका नाम चिंकी और मिंकी ही था। यहाँ पे तो रहा है कुछ क्वालिटी टाइप का, कहाँ यहाँ पे कुछ ऐसा है। देखने में क्या प्रॉब्लम है, देखेंगे अगर अच्छा लगेगा तो लेंगे, जबरदस्ती थोड़ी ना है, हाँ लेना है तो लेना है। अगर यहाँ पे तो टंगा हुआ है, मुझे जैसा चाहिए वैसा तो नहीं है इस दुकान में लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे दिक्कत है दुकान जाने में, इसीलिए मैं हमेशा ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, ऑनलाइन मंगाती हूँ बच्चों का कपड़ा, ताकि मुझे वहाँ पे दिख जाए वेराइटी और पसंद कर लूँ। लेकिन क्या है कि इस बार उतना मेरे पास बजट नहीं है और कपड़ा लेने का कोई प्रोग्राम नहीं था, समझ में नहीं आ रहा, तब आप लोग दूसरा तीसरा दुकान चलेंगे, यही करते करते लास्ट में मैं मना कर दूँगी। चौथा दुकान है मेरा, पांचवा दुकान है, और यहाँ पे सामान बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मेरे ख्याल से ये नया दुकान है और अमीरों के लिए है, हमको लगता है पसंद तो मुझे यहाँ पे सब चीज़ आएगा, क्योंकि बाहर जितना भी कैटलॉग भी लगा है ना वो मुझे सब पसंद आ रहा है, मगर बजट तो ये ज़्यादा होगा, तो हो सके यहाँ पसंद तो आए लेकिन मैं पैसों के चलते खाली हाथ जाऊँ। तो मैं दिखाऊँगी आप सभी को, और मुझे जो पसंद आ रहा है ना वो सबसे पहले बाहर ही है, कोई बात नहीं आँखों से ही निहार लेती हूँ। मैडम खड़ी है पिंक वाला सूट पहन के, देखिए ये वाला भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे ख्याल से ये मेरे साइज़ का भी है। और उधर पीछे एक नन्ना मुन्ना बच्चा है, और वो देखिए वो भी ड्रेस मेरे ही साइज़ का, हमको लग रहा है थोड़ा मोड़ा होगा आ जाएगा। इधर देखिए छोटा छोटा बच्चा लोग पहनते हैं, देखिए ऊपर में भी देखिए टंगा हुआ है, और ये तो हमको नहीं अच्छा लग रहा है। इस तरह का कपड़ा ना जो कॉलर वाला होता है ना वो हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम मोटे हैं ना, और ऊपर में भी है कुछ इस तरह से, और मेरा बच्चा लोग वहाँ पे है। अब देखिए नमूनों को क्या पसंद आता है, क्या लेके आता है, और हम उसमें से क्या सेलेक्ट करते हैं, और मेरे इस जेब में भी क्या है उतना ही का होगा तो ठीक है। अगुन कुछ लेके आ रही है फाइनली, मुझे तो लग रहा था यहाँ पे नहीं मिलेगा, मगर देखते हैं क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वही है ऊँची दुकान पिटी पकवान,
देखिए सगुन पे, मतलब फोटो में अच्छा लग रहा होगा, सामने से कुछ भी नहीं है, नहीं है वहाँ पे खड़ा है, उसको कुछ नहीं आता। इसको देखिए पूरा एक बार में इसका सारा निकल जाएगा, इसे बचेगा कुछ नहीं। पापा को बोलो चलो दूसरा दुकान, यहाँ पे फालतू का इतना बड़ा दुकान में कोई दूसरा सगुन लाई, और वो वही वाला है। हाँ अच्छा नहीं लग रहा हमको, क्वालिटी वाइज उसको पकड़ो, नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा, दिखाओ वही चीज है, वही चीज तो है सेम। देखे वो दुकान का भी देखो ऊपर में है ना, आप उस नहीं समझ में आ रहा तो देखो उस टाइप का खरीद दो, इस टाइप ये जो है इधर पर वो जींस टाइप वो, हाँ उसी टाइप दिखाया उन्हें, कॉल लेके आइए टर्न करो, ये भी दूर से सब अच्छा लग रहा है, जब मेरे हाथ में आ रहा है एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ वापस जाओ, पापा को बोलो कि बाहर बुला रही मम्मा। हाँ जाओ ना जाओ ना जाओ ना रे जाओ ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं, नहीं 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 चलो एक और हरा दिखा रहा है, वही वाला है ठीक है। तो उधर से चलते चलते आ गए यहाँ पे सब्जी खरीदने, हमेशा यहीं से लेते हैं, तो प्याज ले रहे हैं, सेब ले रहे हैं और मिर्ची ले रहे हैं। और हाँ ऐसे मैं ही पे कर रही हूँ, ये बताना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर जाते हैं, देखते हैं कि हस्बैंड सब जगह जा रहा है तो कहता है कि इतना तो कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो है अदरक बहुत महंगा है ना चाची। तो आप लोग सोच रहे हैं मैं लिपस्टिक क्यों लगा रही हूँ, लिपस्टिक मैं लाई हूँ कल, यही वाला कल, हाँ आज दूसरे दिन मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि कल मेरा मूड इतना ज्यादा ऑफ हो गया था ना मार्केट में जो आप लोग देखे अभी, और उसके बाद आ करके मुझे ना ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया, एकदम बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत गंदा लग रहा था। तो ये एक लिपस्टिक खरीदे थे 80 रुपीज, ये 80 रुपीज है ना, रोड साइड भी इतना महंगा मिलता है, क्या बोलिएगा। ये एक इयर रिंग खरीदे, ये 30 रुपीज लिया, इसमें भी ठगा गया, हमको लगा कि ये लाइट करेगा बीच वाला, बट ये भी तो दुकान ठेला ठेला होता है, क्या करिएगा, जा नहीं सकेगा तो जहाँ पे सुविधा होता है वहीं पे मुझे लेना पड़ता है। ये 20 रुपए का नेल पेंट है, मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि उसके पास से हट जाते तो उसको भी अच्छा नहीं लगता, हमसे चलो ले लेते हैं फिर दुकान से एक मंगा लेंगे जब कभी वैसा माहौल होगा, तो ये लिए। और 3 राखी खरीदे और 2 रबर बैंड खरीदे सगुन का चोटी बनाने के लिए, बस इतना ही कुछ था। और सोचेंगे आप लोग कपड़ा, क्योंकि इतना सारा दुकान घूमे थे तो दुकान तो गए लेकिन कपड़ा नहीं खरीदे, क्योंकि इतना सारा देखने के बाद ना कपड़ा समझ में नहीं आया कि कौन सा ले, और पैसा तो मेरे पास बहुत कम था, लिमिट था, तो मैं नहीं चाहती थी कि बर्बाद करूँ। इसका हमेशा यही प्रॉब्लम होता है, मूड मेरा ऐसे खराब हुआ। देखिए जैसे हम लोग वो स्टोर से निकले ना, ये ठेला वाला दुकान से आगे बढ़े तो रास्ते में दुकान में एक उसको क्या बोलते हैं जो पहना रहता है ना कपड़ा, वो फ्रॉक था एक बहुत सुंदर सा, तो मेरा सिर्फ मन हुआ, मतलब पैसे तो मेरे पास इनफ थे नहीं तो मैं कपड़ा तो नहीं ही खरीदती, लेकिन एक इच्छा हुआ क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, बच्चों के पास कपड़े नहीं है, ठीक है जो रोज रोज पहनते हैं वही है, तो मैंने सोचा कि कपड़े देखना चाहिए। अब मैंने सिर्फ बोला कि कपड़े लेनी है, अब दिखाओ रुको थोड़ा सा गाड़ी, तो कपड़ा है वहां पे एक फ्रॉक, रिटर्न करके आया लेकिन इतना गंदा बोला ना कि पैसे बचा के रखो। अब बताओ बचा के ही तो रखती हूँ और फिर अपने ही पे खर्चा नहीं कर पाती हूँ, तो बचा के क्या करना है, मतलब इसका कहना है कि मुझे दे दो मैं घर खर्ची चला दूंगा और बाकी चीजों में चला दूंगा। अब तक मैं यही करती आई थी, रिजल्ट तो मुझे कुछ भी नहीं मिला ना, तो मैं अब यही सोचती हूँ कि जो 2 रुपए मैं रखूंगी चाहे खुद पे चाहे बच्चों पे इन्वेस्ट करूँ, और इससे अलावा और फायदा हमारा कुछ है नहीं, कुछ खा लूं वो हमारे बॉडी में लग जाए, क्योंकि इसको देने के बाद ना तो ये एहसान मानता है और ना हमारा 2-2 रुपए बचाए हुए का एहसान करता है, ना उसको समझ में आता है कि कितने दिन से ये बचा करके रखी थी, टोक दिया ना, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तब मैंने सोच लिया मैं खरीदूंगी तो खरीदूंगी, और लेकिन नहीं ले पाए। उसके बाद घर आए तो खाना वाना दिन का ही था तो सब लोग वही खाया, तो यही बात है और कुछ नहीं। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं एक एक चीज़ें दिखाती नहीं हूँ ना तो कमेंट कर देते हैं, भैया पॉसिबल नहीं है ना एक ही चीज़ को बार बार बता पाए, 15 मिनट का वीडियो होता है, उसमें से मैं चाहती हूँ कि मेरे जो अच्छे मेरे व्यूअर्स हैं मेरे फैमिली है मैं अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, मैं नहीं चाहती हूँ चिक 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 वाला दिखाती रहूँ। और अगर ऐसे किन्हीं को देखना है तो मेरे हस्बैंड में ना स्पाई कैमरा लगा दूँ, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जो हूँ सच बता रही हूँ। तो इसी के साथ मैं लूंगी विदा।